हेलो एवरीवन, तो पहला वीडियो आ चुका है और पहला वीडियो में आप लोग को उदाहरण एक उदाहरण दो बता दिया था और ये आप लोग को बेसिक बता दिया था। देखो ये सब जो बेसिक है ना, आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हो, पर मैं पहला वीडियो को जस्ट मैं आप लोग को बेसिक बताया ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो 6 नंबर का बनेगा भाई, 6 नंबर का बनेगा, तो पूरा कंसंट्रेशन ना इधर कर देना। एक क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो इसमें मैं तीन क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जिसमें से अगर आप एक को भी समझ गए तो सब समझ जाओगे। और मैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन में से दो बताऊंगा और एक जो रहेगा ना आपका होमवर्क रहेगा और उसको आप कमेंट करके बताओगे मेरे को, ठीक है, क्या हुआ। तो देखो बोला है आलेख द्वारा, ठीक है, ग्राफ निम्न रैखिक प्रोग्रामन, यहां पे दे दिया रैखिक प्रोग्रामन, समस्या को हल कीजिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। हम लोग को देखो क्या क्या दे दिया है, क्या क्या हम लोग को देखो यहां पे देखो इक्वेशन क्या दिया है, x + x + y < 50, ये एक दे दिया। उसके बाद दे दिया है यहां पे देखो 3x + y < 90, ध्यान से देखना। उसके बाद ये देखो, ये तो बेहतरीन चीज दे दिया है, x > 0 और y > 0, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश होता है, पहले वीडियो में बताया प्रथम चतुर्थांश। और क्या दिया है, z = 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका मेरे को अधिकतम मान ज्ञात करना है, इसका मेरे को क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। ये लीजिए, प्यार से बोला यार कीजिए, इज्जत दे रहे। तो देखो क्या करना, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, तो हमारा सबसे पहला काम है कि यहां पे जो जो दिए हैं, ठीक है, ये सबसे पहले इसको इक्वल करो, x + y > 50, ठीक है, इसको प्यार से कर लो, 3x + y = 90। अब बिंदु निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं मैं बताया, पहले x की वैल्यू 0 रख दो। तो देखो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गया, तो 0 + y = 50, आप लोग देख पा रहे होगे, तो y की वैल्यू आ गई 50। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, यहां से हम लोग को मिला x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आ गई 50, ओके। अब y की वैल्यू 0 रख दो, तो इसमें अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखा, तो x + 0 = 50, तो x की वैल्यू आई मेरे पास 50। तो हम लोग निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू पहले ना, तो ये 50, y की वैल्यू 0। अब ये दोनों सेम नहीं आए हैं, यहां पे x 0 है, x 50 है, यहां पे y 50 है, x 0 है, सेम नहीं है। अगर सेम होता तो मैं y की वैल्यू कुछ दूसरा रखता, जैसे कि इस केस में हुआ था, यहां पे जब x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 मिला, फिर y की वैल्यू 0 रख रहा था तो x की वैल्यू भी 0 मिल रहा था, तो 0, 0 और दूसरे के लिए 0, 0 मिल गया, तो वह मैं y की वैल्यू में दूसरी रखा था। अगर पहला वीडियो देखे हो तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये बराबर नहीं है ना, x यहां 0 है, x यहां 50 है, तो ठीक है ये मिल गया। अब इसके लिए करते हैं, इसके लिए भी सेम कहानी रचूंगा। तो ध्यान से देखना, इसका थोड़ा सा बंटवारा कर लेता हूं, यहां पे ऐसा है, ये हो गया, यहां पे ऐसे कर लो, यहां पे ऐसे कर लो, ये। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सर पहले ना x = 0 रखिए आप, सर y की वैल्यू देखो, ये 3 × 0 = 0 हो जाएगा सर, 0 + y = 90। सर y की वैल्यू ना चाहते हुए भी सर 90 आया, तो इस केस में मेरे को x की वैल्यू क्या, x है x 0 और y है क्या 90, क्लियर है क्या। अब ना, अब क्या करो ना सर, अब एक बार y की वैल्यू 0 तो रखो, 0 तो रखिए, कुछ भी रख सकते हो यार, कुछ भी रख सकते हो, 0 रखता हूँ, कैलकुलेशन इजी होता है। सर इसमें y की वैल्यू अगर 0 रखी ना, तो कमाल की बात क्या है बताऊं, 3x + 0 = 90। अगर x की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 90 और ये 3 इधर चले जाएगा, तो 90/3, और 90/3 क्या होता है, 3×9 = 30, ये आ गया। तो इस केस में मेरे को क्या पॉइंट मिला, इस केस में ना x पहले लिखते हैं, याद रखना भाई x पहले लिखते हैं, x है 30, y = 0, क्लियर है क्या, ये वाला क्लियर है सबको, हाँ, जब 0 तो 50, ठीक है, y 0 तो x 50, क्लियर है भाई, x 0 तो y 90, y 0 तो यहां पे x 30, सिंपल। और ये मेरा क्या बता रहा है, ये मेरा एक के नीचे एक रहेगा, ये पहले करोगे, उसके नीचे ये रहेगा,
है ना, मेरा बोर्ड ऐसा है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर ऐसा खड़ा होता तो एक के नीचे एक लिखता है ना। ध्यान से देखो ये क्या बता रहा है, ये मेरा बता रहा है कि हम लोग को किस में करना है, प्रथम चतुर्थांश में। तो ऐसे करके लिख सकते हो आप प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश हम शॉर्ट में लिखे, आप पूरा लिख देना फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। ये हो गया, अब ग्राफ बनाऊंगा। अब ग्राफ बनाना है तो 0 50 और 50 0, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखना, कलाकारी तो अब चालू हो रही है, कलाकारी तो अब चालू होगी। ये x और y एक्सिस में बनाया, ये x और ये y, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो क्या है x, ये है 0,50, x इज इक्वल टू 0 y अक्ष में होता है, y अक्ष में होता है, ठीक है। 0,50 आप लोग स्केल से एक एक सेंटीमीटर के गैप में ऐसे 1 2 3 ऐसा करते जाएंगे, ठीक है पूरा। तो हम लोग को क्या है यहाँ पे, पहले मैं लिख रहा हूँ 0,50 50,0, आप ये नहीं लिखोगे क्योंकि आपके कॉपी में है 0,50 और है 50,0। ये किसके लिए है, इसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 के लिए, ये किसके लिए हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 के लिए, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। सेकंड वाला क्या है यार, सेकंड वाला क्या है, 0,90 30,0 0,90 30,0, यहां पे लिख लेता हूं 0,90 30,0, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है मेरा 3x + y = 90, 3x + y = 90, ठीक है। अब चलो बिंदु 0,50 0 है, x यहां पहले x होता है फिर y होता है, तो यहां पे x 0 और x 0 y अक्ष में होता है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। आप लोग ऐसा करेंगे 10 20 30 40 और ये 50, समझ गए क्या, समझ गए क्या, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर मेरे को ग्राफ दिखाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 50, अब क्या है 50,0, मतलब x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 किस में होता है, x अक्ष में होता है, x अक्ष में होता है, तो यहां पे मैं लिखा ये तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट को मिला दो, ध्यान से बस देखते रहना, हड़बड़ी की कोई नीड ही नहीं है, हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी में क्या है गड़बड़ी होते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बोले हैं तो सही बोले होंगे, इसको ऐसे करके मिला दो, ये हुआ, ध्यान से देखना। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है 0,0,50 और ये वाला जो पॉइंट है 50,0 50,0, ठीक है क्या 50,0। अब क्या है x की वैल्यू 0 y अक्ष में होती है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 90, तो यहाँ कहीं पे होगा। आप लोग एकदम सेम डिस्टेंस से करना कॉपी में, इस तरफ का तो अभी कोई रोल नहीं है, तो बस कॉपी में अच्छा बड़ा सा बना लेना है ना, और स्केल से एक एक सेंटीमीटर के गैप में करना, या तो 0.5 सेंटीमीटर के गैप में भी कर सकते हो, लेकिन सेम गैप होना चाहिए एक्स में भी और वाई में भी। अगर यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो यहाँ पे भी एक एक सेंटीमीटर का गैप लेना। तो ये हो गया 0,50 और ये क्या है 30,0 यहाँ कहीं पे होगा 30,0, ये अब इन दोनों को मिला देता हूँ, ये ठीक है। तो ये मेरा बना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या, कौन सा पॉइंट है 30,0, एक्स की वैल्यू 0 एक्स और वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 30 और वाई की वैल्यू 0 30,0, यहाँ पे ये वाला कौन सा पॉइंट है 0 एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 90। एक्स जो 0 होता है ना वो वाई अक्ष में होता है और वाई 0 एक्स अक्ष में होता है, तो ये बन गया। तो जो ये जो बना है पहला वाला जो लाइन है, पहला वाला लाइन किसके लिए है x plus y = 50 के लिए है, सेकंड वाला जो लाइन है वो हो है 3x + y = यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 तो नहीं 90 है, यहाँ पे केयर करें कि 90, इसीलिए ना आगे पीछे पलटाने में हो जाता है 90, ठीक है। x plus y = 50, 3x + y = 90, 3x + y = 90, इसके लिए वाला था 0,50 वाला और 50,0 वाला, ठीक। और यहाँ पे क्या है 0,90 और 30,0 वाला, तो ये बन गया। यहाँ पे एक और चीज़ था x greater than
एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, ये बोल रहा है कि आपको पहले चतुर्थांश में ही रहना है, पहले चतुर्थांश में ही रहना है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो पहला वाला लाइन है, ये वाली लाइन को देखो, एक्स प्लस 50, हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 50, हम लोग तो इज इक्वल टू का बनाए, यहां पे भी 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, तो हम लोग को पता करना पड़ेगा इसका जो छायांकित क्षेत्र है वो इस तरफ है कि इस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है। तो यहां पे देखो 0,0 को मैं टारगेट कर लेता हूं, 0,0 को मैं टारगेट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये वाली लाइन के लिए मैं टारगेट किया, ये वाली लाइन के लिए, तो यहां पे मैं जांच कर रहा हूं, जांच, जब आप जांच करते हो ना तो फिर पूरा लिखना, क्या था हमारा क्वेश्चन, 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 3x प्लस वाई लेस देन x प्लस वाई के लिए पहले कर रहा हूं, x प्लस वाई के लिए पहले कर रहा हूं, तो x प्लस वाई लिखो, यह है x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 50, चेक कर रहा हूं 0,0 के लिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये हुआ, क्या 50 बड़ा है 0 से, अब इक्वल टू हटा देना ना, यहां पे जब चेक करोगे तो इक्वल टू हटा देना, इक्वल टू हटा देना, इक्वल टू हटा देना, जब चेक करोगे तो यहां पे है x प्लस y, देख लो यही तो x प्लस y लेस देन 50, इक्वल टू को हटा देना, दोनों की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं, क्या 50 बड़ा है 0 से, क्या 50 बड़ा है 0 से, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये वाला जो लाइन है ना वो इस तरफ बनेगा, इस तरफ इसका पूरा छायांकित इस तरफ बनेगा, इस तरफ। अब इसके लिए करते हैं, ये x प्लस y इज इक्वल टू 50, इसी के लिए कर रहा ना मैं, सब सही जा रहे हैं ना, यहाँ पे कोई दिक्कत, हाँ अब इसके लिए करेंगे, ये पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए देखो ध्यान से देखना, दूसरे के लिए ये वाला जो लाइन है वो है 3x प्लस y लेस देन 90, लेस देन 90, तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगा, तो ये 3 इंटू 0 0 प्लस 0, ये 90, क्या 90 बड़ा है 0 से, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये वाला जो है ना, ये तो इसका है ना, सॉरी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो था हम लोग जो पहले निकाले थे वो इसके लिए था, इसका छायांकित इधर बनेगा और इसका छायांकित भी इधर बनेगा, यानी दोनों का इस तरफ बनेगा, दोनों का इस तरफ बनेगा, समझ में आया, दोनों का इस तरफ बनेगा। अब याद है मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, कॉमन क्षेत्र लेते हैं, कॉमन कॉमन लेते हैं, कॉमन, तो हम लोग को ध्यान से देखो, अब एकदम इसमें गोदागादी नहीं करना, दिमाग लगाओ कि कॉमन कौन सा बनेगा पहले चतुर्थांश में, क्योंकि पहला चतुर्थांश बोला है, तो बताऊं देखो इसका भी और इसका कॉमन मैं आप लोग को यहां पे बता रहा हूं, क्या आप लोग इमेजिन कर पाए, क्या यहां पे बनेगा, यहां पे ये एरिया में बस बनेगा, ये एरिया में, ये एरिया हमारा कॉमन रीजन है, ये एरिया हमारा कॉमन रीजन, ये एरिया देखो दोनों का आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ाओ अपना, ये वाला एरिया ध्यान से देखो, आप चाहो ना तो ऐसे ऐसे पूरा करके देख सकते हो, पूरा करके देख सकते हो, वो तो एकदम फिर गोदागादी जैसे लगेगा ना, तो सिर्फ ये एरिया है, ये एरिया है, इसमें 3x प्लस y का 3x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 90 का भी जो आ रहा है रीजन, और x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 50 का, मेन तो हमारा लेस देन इज इक्वल टू 50 का, वो भी इस तरफ आ रहा है, सिर्फ ये वाला रीजन है, पहला चतुर्थांश ही देखना है, पहला चतुर्थांश ही देखना है, तो सिर्फ ये वाला रीजन है जहां पे ये दोनों का जो छायांकित क्षेत्र है वो प्रदर्शित हो रहा है, क्लियर है क्या, तो ग्राफ तो बन गया मेरा, ग्राफ बन गया, लेकिन हम लोग को ग्राफ बनाने नहीं बोला है, इसका अधिकतम मान हम लोग को ज्ञात करने बोला है, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखो, तो जो भी आपका ना कॉमन क्षेत्र आया है उसका सब कॉर्नर का पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, मान लो मैं इसको ए दे दिया, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी और इसको पॉइंट डी, सब कोना को पकड़ लो, तो देखो जहां पे सब कोना को पकड़ लो, ये एक कोना, ये एक कोना, ये एक कोना और ये एक कोना, समझ में आया, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे मैं कोना को बस पकड़ लिया, तो इसको पकड़ लो, इसको पकड़ा, इसको और इसको, तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट मेरे को मालूम है, ए जो है, ए का जो निर्देशांक मिल रहा है वो है 0,50, बी का जो निर्देशांक मिल रहा है वो है 0,0,
देखो सी का क्या है, सी का है 30, 0 और डी का मेरे को नहीं मालूम, तो डी का निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करके निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे, सिंपल है। ये जो दोनों लाइन का इक्वेशन है ना वहां से आएगा, ध्यान से देखना इन दोनों से, आप एक के नीचे एक करते जाना, एक के नीचे एक करते जाना। तो ध्यान से देखो आप कैसे निकालते हैं, ये जो बिंदु है ये आप लोग देख रहे होगे, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद कर रही है। तो किसको किसको, ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस दोनों रेखा के इक्वेशन से बनेगा। तो यहां पे क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और यहां पे क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, घटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसल हो गया, तो एक्स माइनस 3y साइन चेंज हो गया ना, अब ये माइनस 3x हो गया, सॉरी y तो नहीं बोल दिया था, x बार बार y लिख कर रहे, x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 2x, 50 माइनस 90 साइन चेंज हो गया माइनस 90, तो माइनस 40 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कटा, x क्या हो जाएगा, ये दो उधर चला जाएगा, तो 40/2 मतलब x की वैल्यू आई 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 20 और y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आई 20 आई। मान लो ये मेरा समीकरण एक था, ये समीकरण दो था, समीकरण एक और दो को मैं घटाया, तो कहीं पे भी x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, मैं समीकरण एक में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो x क्या है, देखो समीकरण एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू 20, तो ये 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू आएगी 50 माइनस 20 मतलब 30, तो ये आ गई 30, ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत मत लेना, बस यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखा, यहाँ पे भी वही किया, ये बोला पहले चतुर्थांश में, तो मैं ऐसे ग्राफ बना लिया, इसका कॉमन रीजन में फाइंड किया, कॉमन रीजन जब मैं फाइंड करा तो यहाँ पे मैं क्या लिया, सब कोनों को पकड़ लिया, अभी आगे और क्लियर हुआ है कोना कैसे पकड़ेगा। ठीक है, ये कॉमन रीजन यही है, इस कॉमन क्षेत्र के मैं पूरे कोनों को पकड़ लिया। अब मैं पूरे कोनों का बिंदु देखा, तो यहाँ पे मेरे को 1, 2, 3 का मालूम था, इसका नहीं मालूम था, तो इसको निकालने के लिए इस दोनों रेखा के समीकरण से मैंने निकाल लिया, ये हो गया। अब लास्ट मेरा बचा है क्या, कि जेड बराबर 4x प्लस वाई का, इसका मेरे को अधिकतम मान बताना है ना, अधिकतम मान बताना है। तो क्या करो आप लोग, एक बॉक्स बना लो, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये एक बॉक्स बनाए, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, क्या करूँ, मेरे को जगह की बहुत कमी होती है, सब जगह है मेरे पास, बस बोर्ड मेरे पास बहुत बड़ा नहीं है, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना, ये एक बॉक्स बना लिया मैं, एक बॉक्स बनाया, ये एक बॉक्स बनाया, ठीक, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ये यहाँ पे मैं एक लाइन खींचा, यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे, देखो ये बॉक्स बनाते 60 हो जाएगा आंसर। तो पहले में आप लोग क्या लिखोगे, पहले में आप लोग ये बिंदु है ना, तो यहाँ पे आएगा बिंदु, यहाँ पे लिखो बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे क्या लिखोगे निर्देशांक, यहाँ पे लिखोगे निर्देशांक, ये निर्देशांक, और यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या है यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ठीक है। बिंदु ए बी सी डी है, देखो बिंदु ए बी सी डी, तो ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, ए बी सी डी बिंदु है। अब उसका निर्देशांक लिखने, निर्देशांक है, देखो यहाँ पे 0.50, बोलो फिर क्या है, 0.0, फिर बताइए क्या है, 30.0, फिर बताइए क्या है, 20.30। देखो ये पहले वाला ना पूरा x, x की वैल्यू रहती है, x का निर्देशांक कॉमा y का निर्देशांक चलता है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दो, ये शुरू वाला x है, ये y है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 50 है, 0 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 50 हो जाएगा 50, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो z की वैल्यू 0 आ गई, ये पूरी z की वैल्यू है।
यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 30 है तो 4 तिया 12, y की वैल्यू 0 है तो 4 तिया 12 मतलब 120 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, x और y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 20, मतलब 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे 30 है, 80 प्लस 30 110 ये आया, इसको हटाओ ये। तो हम लोगों को क्या पूछा है, ये सब z की वैल्यू आई, ये x और y की वैल्यू इसमें रखे, सब z की वैल्यू आई, तो हमको बोला है इस z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हमको z का अधिकतम मान क्या मिला, 120। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्या, z का अधिकतम मान मेरे को क्या मिला, z का अधिकतम मान मेरे को क्या मिला, 120 मिला, ठीक है। 50 0 110 120, तो इसमें अधिकतम मान क्या है, 120, अधिकतम मान क्या है, 120। तो आप लोग उत्तर लिखोगे, तो z बराबर 4x प्लस y का अधिकतम मान 120 होगा, तो ये मैं कराया आप लोग को, ये पूरा मैं कराया। क्वेश्चन 2 भी कराऊंगा, ये देखो क्वेश्चन 2, इसमें न्यूनतम मान पूछा है। अगर यहीं पे मैं अगर न्यूनतम मान पूछता तो न्यूनतम मान मेरा 0 हो जाता, अधिकतम और न्यूनतम पूछेगा, या तो ऐसा भी पूछ सकता है, अधिकतम भी पूछ सकता है और न्यूनतम भी पूछ सकता है। पूछो ना यार, जो पूछना है पूछो, मेरे पास तो टेबल आ गया। अगर इस क्वेश्चन में अधिकतम पूछा है ना, हाँ अधिकतम आंसर 120, न्यूनतम पूछे रहता न्यूनतम 0, दोनों पूछ लिया रहता, अधिकतम भी बताओ न्यूनतम भी बताओ, तो मैं बोलता अधिकतम 120 है और न्यूनतम 0 है, जो पूछना है पूछो, कंसेप्ट आ गया ना मेरे को। अब आपको जो मर्जी आए वो क्वेश्चन देते जाओ, सब कट डालेंगे अपन, सब कट डालेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस बनाना था बस। अब क्वेश्चन नंबर टू अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक के लिए मैं एंड करता हूँ। आप लोग ना अपनी परीक्षा की तैयारी ना जबरदस्त तरीके से करते रहो, और अभिप्सा का जो ये जो न्यू इनिशिएटिव है ना मिशन 2023, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ना बहुत पसंद आ रहा होगा और आप लोग ना इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे मैं बोल रहा हूँ सेशन को अभी तक देखे नहीं है ना, फैला दो आप लोग ना इस सेशन को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर आप लोगों को लगता है तो। अगर आप लोग लगता नहीं आपसे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो यहाँ आने की, मतलब लाइक करने की कमेंट करने की फिर कोई नीड नहीं। और आपको लगता है कि हाँ नहीं आपको कुछ वैल्यूबल हम लोग कर पा रहे हैं आपकी लाइफ में, 1% कुछ सुधार ला पा रहे हैं, तो ज़रूर हमको भी अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि आपका ये एक मोटिवेशन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है और समय समय पर हम लोग फिर ऐसा तो लाते जाएंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।